आंखें हुई चार तो मन में आया प्यार, और आंखें हुई ओठ तो जी में आया खोट। जब तक व्यक्ति सामने रहता है तब तक उससे प्रेम बना रहता है, दूर जाने पर वह बात नहीं रहती है। क्या सऊदी अरब ने कुछ ऐसा फैसला लिया है जो ट्रंप को अच्छा नहीं लगेगा? कुर्सी से दूर जाते ट्रंप क्या अब सऊदी अरब के लिए कोई मायने नहीं रख रहे हैं? तो वहीं ईरान भी कुछ ऐसे ही फैसले ले रहा है। ईरान और दक्षिण कोरिया में सीधी सीधी भिड़ंत हो रही है, और ईरान ने किस चीज को कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। तो वहीं जो बाइडेन ने सत्ता संभालने से पहले ही चीन के लिए कौन सी मुसीबत खड़ी कर दी है। और सबसे बड़ी खबर, चीन ने पाकिस्तान की वायुसेना के पोल खोल दिए हैं, वो भी भारत के सामने। आखिर ऐसा क्या हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पिया गए परदेश अब डर काहे का, ऐसा ही कुछ हाल हो रहा है ट्रंप के जाने के बाद। ट्रंप का जाना जहां एक तरफ पूरी तरीके से तय हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया की राजनीति भी बदल रही है। पिछले 3.5 साल से जो दुश्मन बने बैठे थे वो बस एक झटके में दोस्त बन गए। हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था कि GCC की मीटिंग होनी थी। GCC 6 देशों का मुस्लिम देशों का समूह है, और जिसने कतर को 3.5 साल से अलग करके रखा हुआ था, और कतर ने भी 3.5 साल तक सब कुछ झेला, यहाँ तक कि सऊदी अरब ने उसे अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया था, जिसकी वजह से कतरी प्लेन काफी दूर होकर जाते थे और काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। तो आखिरकार गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी कि GCC की सम्मिट हुई अलूला में सऊदी अरबिया में, और बाद में इसके द्वारा घोषणा की गई कि सऊदी अरबिया और कतर, यहाँ तक कि GCC के बाकी देश भी अब कतर के साथ सामान्य रिश्ते रखेंगे, यहाँ तक कि एयर स्पेस को भी सऊदी अरब ने खोल दिया कतर के लिए। वैसे आपको तो पता ही है कतर के साथ ऐसा क्यों किया गया था। दरअसल कतर को ईरान का करीबी माना जा रहा था, और वैसे तो ये भी कहा जा रहा है कि ईरान को घेरने के लिए कतर के साथ रिश्तों को खराब कराने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है ट्रंप प्रशासन की। लेकिन अब वक्त बदल रहा है, वैसे ईरान का मनोबल भी बढ़ता जा रहा है। ट्रंप के जाने की घोषणा और बाइडेन के आने की खुशी ईरान पचा नहीं पा रहा है, और इस नहीं पचाने के चक्कर में वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि तो खराब कर ही रहा है, बल्कि एक नई लड़ाई, एक नए युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। जहां एक तरफ ईरान ने डंके की चोट पर अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ावा देते हुए ये कह दिया कि यूरेनियम के 20% को एनरिच करने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है, जो कि आगे चलकर परमाणु बम बनाने की निशानी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब दक्षिण कोरिया के साथ भी एक बड़ा झमेला खड़ा कर रखा है। दरअसल इन दिनों ईरान ऐसे ही काम कर रहा है जो कि उसे बर्बाद करने के लिए काफी हो। पहले तो तेहरान द्वारा उठाए गए यूरेनियम इनरिच के कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते का सबसे बड़ा उल्लंघन माना जा रहा है, लेकिन चूंकि व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के अब मात्र कुछ ही दिन बचे हैं, इसमें फायदा उठाते हुए ईरान ने सोमवार को पूरे पश्चिमी जगत को दोहरी चुनौती दे दी है। उसने दक्षिण कोरिया के मालवाहक जहाज को जबरन अपने कब्जे में ले लिया है। वैसे आपको बता दें, कहा यह जा रहा है कि ईरान ने कोरियाई बैंकों में अपने खातों पर लगाई गई रोक को हटवाने के लिए ये कदम उठाया है। मतलब कि ये तो पूरी दादागिरी जैसी हो गई। गुंडई देखिए आखिर क्या हुआ। दरअसल जैसे ही साउथ कोरिया का टैंकर वाला जहाज सऊदी अरबिया के लिए निकला, अचानक से ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में 20 की संख्या में इनको पकड़ लिया, और उनके ऊपर यह आरोप लगाया कि इनके इस टैंकर की वजह से पर्सियन गल्फ केमिकल की वजह से प्रदूषित हो रहे हैं। वैसे आपको बता दें, दक्षिण कोरियन फोर्स भी अब पहुंच गई है वहां टैंकर छुड़ाने के लिए। हालांकि अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि बातों से चीजों को हल किया जा रहा है, लड़ाई झगड़े का कोई इरादा नहीं है, लेकिन कब ये लड़ाई झगड़े में बदल जाए यह भी कहना मुश्किल है। दरअसल इसमें 7200 टन के इथेनॉल है जो कि सऊदी अरबिया जाने थे और जिन्हें ईरान ने सीज कर लिया है, और अब ईरान की मांग है
कि साउथ कोरिया ने जो 7 बिलियन डॉलर को फ्रीज कर दिया है अपने बैंकों में, उनको रिलीज कर दे। और अभी तक बातचीत चल ही रही है, इसका कोई सही परिणाम नहीं आया है। अब ईरान को उसकी फिरौती मिलती है या नहीं, ये तो कुछ दिन में पता चल ही जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने जो बाइडेन के अनुरोध को किनारे करते हुए, जो बाइडेन को इग्नोर करते हुए चीन के साथ एक समझौता कर लिया है, लेकिन जो बाइडेन अभी तक हार नहीं माने हैं। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के पास अपने एनएसए के द्वारा एक संदेश भेजा है और जिसमें ये कहा गया है कि चीन से लड़ने के लिए वो फिर से बातचीत करने के लिए यूरोपीय यूनियन से तैयार हैं और साझा रणनीति बनाने के लिए तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि जो यूरोपीय यूनियन इस वक्त चीन के पल्ले में जा चुका है, क्या वह वापस से बाइडेन के साथ खड़ा होगा। वहीं कहते हैं ना, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। पाकिस्तान और चीन मिलकर दो फ्रंट की लड़ाई लड़ने आए थे भारत से, और इसके लिए एक जोरदार अभ्यास भी कर लिया। दरअसल अभ्यास इस बात का करना था कि अगर राफेल मैदान में उतरता है तो चीन और पाकिस्तान उससे कैसे निपटेंगे, लेकिन इस अभ्यास में खुद चीन ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी, वो भी दुनिया के सामने। पाकिस्तान ने उतारा था अपना JF-17 और चीन ने उतारा था J-10 और J-11, जो कि कहा जाता है कि J-10 और J-11 को चीन राफेल के बराबर मानता है, यानी कि राफेल के साथ कैसे निपटा जाए इसकी तैयारी के लिए J-10 और J-11 से परखा जा रहा था। हालांकि इस युद्धाभ्यास के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना ने काफ़ी कोशिश करी, काफ़ी जद्दोजहद भी करा, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं टिक पाया J-10 और J-11 के सामने। अगर J-10 और J-11 राफेल का 10वां हिस्सा भी माना जाए, तो भी अगर उसके सामने पाकिस्तान की कथित तौर पर सबसे अच्छा लड़ाकू विमान नहीं सका, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर राफेल को लेकर खौफ और भी ज़्यादा बढ़ गया। पाकिस्तान की पूरी वायुसेना दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई और अब उन्हें समझ में तो बिल्कुल आ गया है कि राफेल के आने के बाद उनका क्या हाल होने वाला है। इसी डर से अब वो चीन से J-10 और J-11 खरीदने की बात कर रहे हैं। हालांकि चीन भी इस मौके का फायदा उठा सकता है और अपने J-10 और J-11 चिपका सकता है पाकिस्तान को। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राफेल को भारतीय वायुसेना में शामिल करना एक सही निर्णय था? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।